राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह संकल्प लिया था कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में कोई भी भूखा ना सोए। इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने FCI से बाजार दर पर गेहूं खरीदकर प्रदेश के 54 लाख पात्र लोगों व निराश्रित व्यक्तियों को निःशुल्क गेहूं उपलब्ध करवाने की बात कही। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने आवास पर हुई प्रेस वार्ता में और क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। वैश्विक महामारी कोरोना से उत्पन्न हुए इस विकराल संकट के बीच राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकल्प लिया है कि प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं सोए। बुधवार को हुई ऑनलाइन प्रेस वार्ता के दौरान सीएम गहलोत ने बताया कि प्रदेश में किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार अब FCI से बाजार दर पर गेहूं खरीदकर खाद्य सुरक्षा से वंचित प्रदेश के 54 लाख पात्र लोगों एवं निराश्रित व्यक्तियों सहित करीब 60 लाख जरूरतमंदों को 10-10 किलो निशुल्क गेहूं उपलब्ध करवाएगी। वर्तमान में केंद्र सरकार वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकर ही राज्य को गेहूं का आवंटन कर रही है, जबकि बीते सालों में खाद्य सुरक्षा की पात्रता के दायरे में 54 लाख लोग और आ गए हैं। मैंने इन लोगों को NFSA की सूची में शामिल कर अतिरिक्त गेहूं का आवंटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। सीएम गहलोत ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है। केंद्र अन्य राज्यों में फंसे राजस्थान के प्रवासी कामगारों, श्रमिकों, छोटे दुकानदारों को घर आने की छूट दे। प्रधानमंत्री से वार्ता के दौरान यह हमारा पुरजोर एजेंडा रहेगा। आगे जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि लॉकडाउन के कारण तंबाकू, गुटखा एवं शराब बेचने पर पूर्णतया पाबंदी है। अगर कोई बेचता पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, मास्क नहीं लगाने, धारा 144 के उल्लंघन आदि पर भी आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार लॉकडाउन का उल्लंघन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम गहलोत ने बताया कि कुछ शरारती लोग लॉकडाउन एवं कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में किसी समुदाय विशेष को छूट दिए जाने की अफवाह एवं झूठ फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि जब लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है तो सरकार के लिए जाति एवं धर्म मायने नहीं रखता है। हमारा एक ही लक्ष्य है, कैसे प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा की जाए। मैंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर वह नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आगे जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने के बाद औद्योगिक इकाइयों को सुनियोजित ढंग से शुरू किए जाने के प्रयास किए हैं, जिसके चलते हमारी उम्मीद से अधिक औद्योगिक इकाइयों ने काम शुरू कर दिया है। इनमें कई बड़ी इकाइयां भी शामिल हैं। यह एक शुभ संकेत है। भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा समेत प्रदेश के कई जिलों में औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं। भीलवाड़ा में करीब 40 इकाइयां तथा उदयपुर में 50 इकाइयों ने काम शुरू किया है, जिनमें करीब 13,000 श्रमिक नियोजित हुए हैं। हिंदुस्तान जिंक, जिंदल शो, अल्ट्राटेक, हीरो मोटोकॉर्प, KEI लिमिटेड, डाइकिन सहित कई बड़ी कंपनियों ने अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं। सीएम गहलोत ने आगे बताया कि हमारी सरकार ने जरूरतमंद पाक विस्थापितों को भी राशन सामग्री एवं अन्य सहायता उपलब्ध करवाई है। जयपुर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर समेत प्रदेश में रह रहे पाक विस्थापितों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में करीब 4,000 पाक विस्थापित परिवारों को राशन सामग्री मुहैया कराई गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।